री इम्पोर्टेंट थिंग दट इज अबाउट टी एफ आर एग्जाम क्रैकिंग टिप्साम के बारे में कुछ दिन पहले एक वीडियो छोड़ा था कि ऑल अबाउट टी आएफ आर एग्जाम वहां पर मैं डिस्कस किया था कि टी आई एफ आर एग्जाम में कौन कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है इसका कट ऑफ क्या क्या होता है इन पी एच डी एंड पी एच डी के लिए एंड एग्जाम का जो लेवल कैसे होता है मोड कौन सा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इसके बारे में डिस्कस किया था तो वहां पर बहुत सारा स्टूडेंट ने वो वीडियो देखने के बाद कमेंट किया कि मैं मेरा एग्जाम एग्जाम के टाइम में 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 2019 इन में, पीएचडी दिया था एंड क्रैक किया था तो कैसे किया था सेल्फ स्टडी के थ्रू इसके बारे में बहुत सारा स्टूडेंट ने बोला है कि एक वीडियो बनाओ कि सेल्फ स्टडी के थ्रू कैसे पी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड होता है कैसे करना है प्रिपरेशन तो मैं सोचा कि एक की बना देता हूँ कैसे मैं प्रिपरेशन किया था मेरे टाइम में तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना

इन पी एच डी स्टूडेंट के लिए पी एच डी स्टूडेंट और एमएससी के लिए इजी मतलब uh, हार्ड लगता है ठीक है लेकिन ये सुन के बहुत सारा स्टूडेंट पी, पी, पीछे जाता है ठीक है कि अच्छे से पढ़ाई नहीं करता कि सोचता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन होगा पढ़ने के बाद भी क्या होगा ये सोच लेता है लेकिन इन पी एच डी के लिए कट ऑफ भी तो कम होता है ना वन ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन होता है फिफ्टी प्लस आ जाए मतलब फिफ्टी मार्क्स से ज्यादा आ जाए या फिर फिफ्टी आ जाए तो क्रैक हो जाएगा ठीक है मेरे टाइम में मेरा मार्क्स फिफ्टी थ्री या फिर फिफ्टी फाइव ऐसे कुछ था मेरा क्रैक हो गया था मैं रिटर्न एग्जाम क्रैक किया था तो कॉन्फिडेंस अच्छा रखना होगा कि हाँ कुछ भी क्वेश्चन आए तो मैं ट्राई करके देखूंगा आए हो जाए तो कर लेंगे हर साल क्वेश्चन का जो लेवल वो हार्ड लेवल में ही जाता है मतलब बहुत ज्यादा ईजी नहीं होता मीडियम टू हार्ड लेवल में ही रहता है हर साल ही होता है 2020 में थोड़ा बहुत इजी था 2019 और 18 के रेस्पेक्ट में तो फर्स्ट तो कॉन्फिडेंस हो गया सेकंड रीड ऑल चैप्टर्स फ्रॉम द बेसिक्स मैं पहले डिस्कस किया था कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है सी एस आर नेट जैसा नहीं कि कुछ फॉर्मूलाज याद कर लिया कुछ कुछ पोर्सन अच्छे से पढ़ लिया उससे क्वेश्चन आएगा ऐसे नहीं टी आई एग्जाम में टी का फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च तो वहां पर फंडामेंटल वर्ड एड है तो चैप्टर्स पढ़ने के साथ साथ भी तुमको फंडामेंटल पोर्सन भी पढ़ना होगा अदरवाइज ये एग्जाम कभी भी क्रैक नहीं कर पाओगे कुछ फॉर्मूलाज याद रख के ये एग्जाम क्रैक नहीं होगा बेसिक समझना होगा कि कैसे होता है उसको अप्लाई करना होगा क्वेश्चन में क्योंकि हर ईयर नया नया क्वेश्चन आता है ऐसे बहुत रेयर केस में क्वेश्चन रिपीट होता है तो बहुत ही टफ हो जाता है तो बेसिक्स क्लियर है फंडामेंटल थिंग्स तुम अच्छे से समझ गए हो तो एग्जाम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है मतलब एग्जाम तुम क्रैक कर सकते हो इजीली, ठीक है सो फंडामेंटल पढ़ना है बेसिक्स पढ़ना है एंड प्रैक्टिस मैथमेटिकल पोर्सन लाइक क्वांटम केमिकल काइनेटिक्स थर्मोडिनामिक्स, इसका जो जो पोर्सन है इसमें जो जो मैथमेटिकल पोर्सन है जैसे क्वांटम में कैसे एवरेज वैल्यू निकालना है उसके साथ साथ कैसे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालना है और भी जो जो, जो क्वांटम का हारमिसियान हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ये सब जो 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 कैलकुलशन मैथामेटिकल पोर्सन है एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर जो जो कैलकुलशन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन

कुछ भी क्वेश्चन जो आएगा सारे बेसिक्स ही आता है ऐसे नहीं कुछ हार्ड लेवल में आ जाता है बहुत जिसका बेसिक्स क्लियर है तुम अप्लाई करना होगा वहां पर जाके बेसिक्स के ऊपर अप्लाई करने के बाद कुछ तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये आंसर ये जा सकता है वो करके आओ ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं समझ में आया फिर भी आंसर करके गए हो ऐसे नहीं बेसिक से सोचो हो जाएगा आंसर सो थर्ड थिंग फोर्थ थिंग इज लर्न द फंडामेंटल ऑफ एनी चैप्टर मैं पहले डिस्कस कर दिया तो फंडामेंटल्स पढ़ना होगा ये एग्जाम फंडामेंटल रिसर्च के ऊपर है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वांटम थर्मोडीनामिक्स केमिकल काइनेटिक्स मैं ये चैप्टर्स बार बार ये डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि फिजिकल का पोर्सन ज्यादा आता है यहाँ पर 50 परसेंट फिजिकल से आता है और 50 परसेंट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मिला के आता है तो टोटल 40 क्वेश्चन आता है 40 क्वेश्चन में थे 22, 20 टू 23 क्वेश्चन आता है फिजिकल से एंड बाकी जो जो क्वेश्चन 17 क्वेश्चन उसमें इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक रहता है

ठीक है तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दे दूंगा वो देख सकते हो कौन कौन से चैप्टर से मैं एक बार बता देता हूँ फिजिकल के लिए क्या क्या पढ़ना है फिजिकल के लिए पढ़ना है फास्ट पढ़ना है स्पेक्ट्रोस्कोपी देन क्वांटम टू टू चैप्टर्स देन काइनेटिक्स थ्री एंड थर्मोडीनामिक्स फोर ये फोर पढ़ना है उसके ये फोर हो गया उसके बाद तुम जो जो इक्वलिब्रियम पोर्स है इक्विलिब्रियम फेज इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम ये चार होने के बाद उसमें जाओ ठीक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है वो जस्ट नॉन्स इक्वेशन वाला वो पोर्सन एंड जो जो आ, डबल लेयर फॉर्मेशन ये वाला जो जो पोर्सन उससे आता है ठीक है इनऑर्गेनिक के लिए तीन चैप्टर पढ़ना है फर्स्ट ऑर्गेनेटिली केमिस्ट्री देन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड थर्ड बायो केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग टाइम मिले तो कर सकते हो केमिकल बॉन्डिंग से बहुत इजी क्वेश्चन आता है वो कर पाओगे मतलब बेसिक्स क्लियर है तो केमिकल बॉन्डिंग कर पाओगे तो ये तीन चैप्टर अच्छे से पढ़ना uh, ke, uh, ke, uh, क्या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑर्गेनाटलिक केमिस्ट्री एंड बायो इनर्गेनिक केमिस्ट्री उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में जाओ ऑर्गेनिक के लिए तीन चैप्टर पढ़ना है फर्स्ट है नेम रियक्शन रिंजमेंट सेकंड रियजन केमिस्ट्री थर्ड ये जो जो चैप्टर्स पेडिसाइकलिकोटल फोर प्लस थ्री प्लस थ्री टोटल चैप्टर्स चैप्टर्स टू ये चैप्टर से, so, so, से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा ये ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन ये बहुत टफ लेवल हार्ड लेवल में आएगा ऐसे मत सोचो सारे जो जो क्वेश्चन आएगा बेसिक्स फंडामेंटल के ऊपर बेस करके ही आता है कोई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं देगा ये एग्जाम में सारे मैथमेटिकल पोर्स से क्वेश्चन आएगा मेरे टाइम में क्वांटम का क्वेश्चन आया था कि आ, कुछ भी आ, लाइट uh, का जो इंटेंसिटी वो उसके ऊपर डिपेंड करके कौन सा डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है तो ये तुम बेसिक से सोचोगे तो लाइट का इंटेंसिटी जब बढ़ता है तो क्या होता है कि नंबर ऑफ जो फोटोन नंबर ऑफ फोटोन का नंबर वो इंक्रीज हो जाता है ठीक है जब लाइट uh, का जब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होता है तब फोटोन और जो इमर्जिंग uh, पार्टिकल uh, होता है उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन भी बहुत देता है ठीक है तो सारे क्वेश्चन पहले देखना वन टू फोर्टी क्वेश्चन पहले चेक करना पहले जो जो क्वेश्चन हो जाए वो अच्छे से करना स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर ज्यादा धन देन देना स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल फिजिकल से रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इनऑर्गेनिक से ईपीआर एंड मोबाइल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक से आई आन एम आर एंड स्पेक्ट्रोमेट्री ये सारे क्वेश्चन करके जाना मतलब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी देख के जाना एंड क्वांटम क्वांटम एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी से अराउंड टेन टू ट्वेल्व क्वेश्चन आएगा ठीक है और बाकी जो जो पोर्स है फिजिकल का उसमें से और एट टू नाइन क्वेश्चन आता है सो टोटल ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन फिजिकल आता है uh, तो मेरे हिसाब से था इंपॉर्टेंट थिंग्स सारे चैप्टर्स का बेसिक्स पढ़ो फंडामेंटल क्लियर करो मैथमेटिकल पोर्स करो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन आएगा और ग्रुप थ्योरी चाहे तो जो जो ग्रुप थ्योरी पॉइंट ग्रुप ये वा, ये वगैरह पोर्सन से एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है हमारे टाइम में फास्ट क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी के ऊपर आया था ठीक है तो ये भी देख सकते हो टाइम मिले तो अदरवाइज जो जो चैप्टर डिस्कस किया वो करना कॉन्फिडेंस लूज मत करो ये सोचो कि इन पीएचडी स्टूडेंट के लिए थोड़ा बहुत हार्ड लेवल होता है लेकिन कट ऑफ भी तो बहुत ही uh, कम होता है ना अराउंड फिफ्टी कट ऑफ होता है वन में से फिफ्टी मतलब बहुत ही कम कट ऑफ होता है और पीएचडी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन मीडियम टू इजी लेवल और मीडियम टू हार्ड लेवल होता है लेकिन उसके लिए कट ऑफ भी ज्यादा होता है अराउंड सिक्सटी फाइव प्लस तो फिफ्टी और सिक्सटी फाइव प्लस मतलब बहुत डिफरेंट होता है तो इन पीएचडी स्टूडेंट और पीएचडी स्टूडेंट दोनों ही अच्छे से पढ़ो एग्जाम इजीली क्रैक कर पाओगे बेसिक जिसका क्लियर है सो so मेरे हिसाब से ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर सकते हो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो उसको भी कुछ भला हो जाए सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सी विन द नेक्स्ट वीडियो